हाय दोस्तों, मेरा नाम है मन्नी और मेरा यूट्यूब चैनल है क्रिएटिव विलेजर्स। मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ मशीन के सिलाई के बारे में। अगर आप देखें जो हमने ये सिलाई लगाई हुई है, इसमें ये चैन निकली हुई है, मतलब ये थोड़ा जो भी इसके सिलाई हुई है ये ठीक से नहीं हुई है। तो इसका कारण है कि जो आपका ये ऊपर वाला धागा होता है मशीन में, ये और नीचे गिट्टी के अंदर, इसके अंदर जो गिट्टी होती है वहाँ पे जो धागा है वो प्रॉपरली सेट नहीं है। तो उसको सेट करने के लिए हम आपको बताएंगे, ताकि फिर आपकी सिलाई का जो भी ये सिलाई लगी हुई है, टाका लगा हुआ है, ये बिल्कुल प्रॉपरली आ जाए और ये स्टिचिंग बहुत ही प्यारी लगेगी। उसके बाद अभी अगर आप देखेंगे तो ये टूट सकती है और यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो दोस्तों, पहले हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर कचरा है या नहीं। यहाँ अगर कोई कचरा या धागा है तो पहले उसे साफ़ कर लें, उसके बाद अपने इस धागे को आपको देखना है, इस थ्रेड को देखना है थोड़ा घुमा के। अगर ये प्रॉपरली रोटेट कर रहा है, ये कहीं भी अटक नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये सेट है। अदरवाइज़ आप वहाँ से मिट्टी साफ़ करें और फिर इसको सेट कर लें। अगर ये प्रॉपरली मूव ऑन कर रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको जो अंदर वाली आपकी रील और जो आपका बॉक्स है रील का, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप देखिए ये है डिब्बी। इस डिब्बी के ऊपर जो ये पत्ती लगी हुई है, ये टाइट होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये टाइट है तभी आपका धागा सही से सेट होगा, वरना नहीं। और अगर इसमें भी कोई गंदगी फंसी हुई है तो एक बार नट खोल के आप इसे भी साफ़ कर सकते हैं। और इस नट को आप टाइट कर लें, ये टाइट होना चाहिए तभी आपका धागा इसमें सेट बैठेगा। तो चलो इसे टाइट करके देखते हैं। तो दोस्तों, इसको हमने कर दिया टाइट और अब इसके अंदर रील डाल दिए इस डिब्बी में, और अब इसको हम नीचे सेट कर लेंगे और आपको सिलाई लगा कर दिखाते हैं कि अब सिलाई कितनी अच्छी आएगी। स्टिचिंग जो होगी कपड़े के ऊपर वो बहुत ही सही और शानदार नज़र आएगी। सारे टाके आपको प्रॉपरली नज़र आएंगे, टूटेंगे नहीं और बहुत ही प्रॉपर आपको उसकी फिनिशिंग दिखाई देगी। चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर सिलाई लगा के दिखाते हैं। हमने सारी चीज़ें साफ़ कर ली हैं और दोनों धागे सेट कर लिए हैं। नीचे का धागा सेट करना होता है और ऊपर का, ताकि ये दोनों धागे एक साथ इकट्ठे होकर यहाँ सिलाई करते हैं कपड़े पे। अब इसको एक बार सिलाई करके इसको स्टिच करके देखते हैं कि ये प्रॉपरली स्टिच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं। चलो दोस्तों, अब ये सेट हो गया, अब इसको लगा के देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही स्मूथली चल रहा है और इसकी जो सिलाई आ रही है वो भी बहुत बेहतरीन नज़र आ रही है। अगर आप देखेंगे, इसमें कहीं चैन नहीं निकली हुई, प्रॉपरली स्टिच्ड है दोनों तरफ से और बहुत ही अच्छे तरीके से स्टिच हुआ है। इस तरीके से आप अपनी मशीन की गिट्टी को ठीक कर सकते हैं। धागा फंसा हो या गंदगी हो जिससे आपकी सिलाई प्रॉपर नहीं आ रही हो, वो आप कर सकते हैं। तो ये था हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करें, और आपके सपोर्ट के लिए हम लोग आशा करते हैं। और अगर आपको कोई भी सिलाई से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं हमारे चैनल पे कमेंट करके। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।